चीन की हठधर्मी की वजह से साउथ चाइना सी को लेकर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ चीन इस विवादित आइलैंड पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, वहीं साउथ चाइना सी के दूसरे दावेदार वियतनाम ने बिना दिखावे के इस कंट्रोवर्शियल आइलैंड पर न्यू मोबाइल लॉन्चर्स को तैनात किया। इसमें चीनी रनवेज और मिलिट्री ताकतों को जवाब देने की क्षमता है, ये जानकारी पश्चिम के अधिकारियों ने दी है। इस महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर चीन अपना दावा कर रहा है। डिप्लोमेट्स और मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि खुफिया सूचना से साफ पता चलता है कि वियतनाम ने आइलैंड्स पर लॉन्चर्स भेजे हैं। हाल के महीनों में वियतनामी मुख्य भूमि पर स्प्रैटली आइलैंड में 5 ठिकानों पर ये कदम उठाया गया। वियतनाम के इस कदम से चीन और वियतनाम के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। ये लॉन्चर्स हवाई निगरानी के दायरे से बाहर के हैं, हालांकि इन्हें अभी हथियारों से लैस किया जाना बाकी है, लेकिन इन्हें 2-3 दिनों के भीतर रॉकेट आर्टिलरी के जरिए ऑपरेशनल बनाया जा सकता है। 3 सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। हालांकि वियतनाम के विदेश मंत्री ने इसे बिना कोई डिटेल दिए गलत बताया। वियतनाम के रक्षा मंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल न्गुयेन चीन हुई ने एक न्यूज एजेंसी से सिंगापुर में जून महीने में कहा था, हनोई के पास स्प्रैटली द्वीप पर तैनात करने के लिए कोई लॉन्चर्स और हथियार तैयार नहीं है, लेकिन हम ऐसा करने का अधिकार रखते हैं। हमारे पास ये प्रासंगिक अधिकार है कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी वक्त कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि वियतनाम का ये कदम स्प्रैटली द्वीप समूह पर चीनी दावे और उसके सैन्यकरण का जवाब माना जा रहा है। मिलिट्री विश्लेषकों का कहना है कि साउथ चाइना सी पर दशकों बाद वियतनाम का ये बेहद अहम कदम है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।